बच्चों, अब हम सुनने जा रहे हैं कौवा और चिड़िया की कहानी। एक था कौवा। कौवा कैसे करता है? कौ 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 कौ। और एक थी चिड़िया। चिड़िया कैसे चहकती है? चू 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 चू। चिड़िया का घर था मोम का और कौवे का घर था गोबर का। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई। कैसे हुई? बहुत बारिश हो गई। उसमें कौवे का गोबर का घर तो पूरा बह गया। वह चिड़िया के घर पर आया और दरवाजा खटखटाकर बोला, चिड़िया दीदी, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं रे मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मैं मेरे बच्चे को नहला रही हूँ, मैं मेरे बच्चे को नहला रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। फिर कौवा उड़ गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और बोला, चिड़िया दीदी, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं रे मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ, मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। फिर कौवा उड़ गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया सुई और बोला, चिड़िया दीदी, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मेरा बच्चा अब सो रहा है, मेरा बच्चा अब सो रहा है, तुम थोड़ी देर बाद आना। पर इस बार कौवे ने चिड़िया की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे चिड़िया के घर से खिचड़ी पकने की सुगंध आ रही थी। चिड़िया ने दरवाजा खोला और कौवा अंदर आया और सीधा आकर खिचड़ी जिस बर्तन में रखी थी वहीं पर आकर बैठ गया और जैसे ही थोड़ा झुककर वह बर्तन से खिचड़ी खाने लगा तो पीछे उसके पूंछ ने आग ही पकड़ ली। उसे जलन होने लगी और वो कौवा वहां से भाग उड़ गया और जाते जाते बोला, चिड़िया दीदी की खिचड़ी खाई, पूंछ को लग गई आग। चिड़िया दीदी की खिचड़ी खाई, पूंछ को लग गई आग। किसी को भी तकलीफ दे दी तो फिर हो गई भागम भाग। इस कहानी का नाम है जादुई आम। एक गांव के बगीचे में एक केशव नाम का लड़का घूम रहा था। उसकी वहां पर अचानक भोलू से मुलाकात हो गई। भोलू अनपढ़ तो था पर उसे जादू आती थी। हर रोज भोलू बगीचे में जाता था और आम के पेड़ के नीचे खड़ा रहकर एक जादुई मंत्र पढ़ता था। जैसे ही मंत्र खत्म हो जाता था तो तुरंत पूरा पेड़ आम से भर जाता था। अगले ही क्षण वे सारे आम पककर अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते थे। भोलू कुछ रसीले आम खुद खाता और बचे हुए आम गरीब गांव वालों में बांट देता था। इस बात का केशव को बहुत आश्चर्य होता था। एक बार उसने भोलू के पांव पकड़े और वह बोला, भोलू दादा, मुझे भी जादुई मंत्र सिखाओ ना। भोलू
केशव को सिखाने के लिए तो तैयार हो गया, पर उसने केशव को आगाह किया कि केशव, तुम इस जादू का प्रयोग निजी लालच के लिए कभी नहीं कर सकते, और ये मंत्र तभी तक चलेगा जब तक तुम एक भी झूठ नहीं बोलोगे। ऐसा कहकर भोलू ने केशव को वो मंत्र सिखाया। केशव अपने गांव वापस आया और सीधा आम के पेड़ के नीचे जाके खड़ा रहा, और दिन में कई बार उसने वह जादुई मंत्र पढ़ा, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे आम इकट्ठा हो गए। फिर उसने वह सारे आम बाजार में बेच दिए, और ऐसे करते करते कुछ ही महीनों में केशव अमीर आदमी बन गया। केशव के इस जादुई आमों के बारे में उस राज्य के राजा को खबर मिल गई। उसने केशव को बुलाया और कहा, केशव, तुमने ये जादू कहाँ से सीखी है? ये सवाल सुनने के बाद केशव गर्व से फूल गया, पर वह भोलू के बारे में नहीं बताना चाहता था, तो उसने राजा को जवाब दिया, राजा, मैंने इस जादू को पाने के लिए बहुत दूर एक विश्वविद्यालय में बहुत ज्ञानी लोगों के साथ रहकर ये विद्या हासिल की है। राजा ने केशव से कहा, ठीक है ठीक है, अब हमारे सामने तुम्हारा जादू का मंत्र पढ़ो और चमत्कार दिखाओ। और इसके लिए राजा, रानी और दरबार के प्रतिष्ठित मंत्री सब लोग राजा के खास बगीचे में आ गए। केशव ने एक बड़ा सा आम का पेड़ चुना और उसने जादुई मंत्र पढ़ा, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने राजा को झूठ बोला था। केशव शर्मिंदा हो गया और उसने सब सच सच राजा को बता दिया। तो उस पर राजा बोला, केशव, तुमने लालच की वजह से एहसान फरामोश होकर अपने खुद के गुरु को धोखा दिया है, तो जाओ और तुम्हारे गुरु से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद वापस तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्ति मिल जाए। केशव वापस आया और उसने भोलू से माफी मांगी, पर केशव को वह जादुई शक्ति कभी वापस नहीं मिली। तो बच्चों, कहानी का तात्पर्य है कि ना हमें कभी झूठ बोलना चाहिए और ना एहसान फरामोश होना चाहिए। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शरारती लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस शरारती लड़के का नाम था बैजू। बैजू के गांव का नाम था सुमेरपुर। उस सुमेरपुर गांव में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। वे सब बच्चे बैजू के दोस्त थे। वे बच्चे खेलते रहते, पर बैजू को उसके पिताजी अपनी भेड़ों को चराने के लिए भेज देते थे। पिताजी बैजू को कहते, बैजू, अपनी सारी भेड़ों को लेकर चरगाह में चले जाना, उनको हरा भरा घास चरने छोड़ देना, और तुम उन सब पर अच्छी तरह से नजर रखना, समझे? नहीं तो किसी दिन कोई भेड़िया आकर अपने भेड़ों को ले जाएगा, तो ख्याल रखना और पूरी तरह से अपनी भेड़ों पर ध्यान देना। बेचारा बैजू खेल छोड़कर सब भेड़ों को लेकर उन्हें चराने चरगाह लेके जाता था। भेड़ों को चरने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठ जाता और सोचता कि अब खाली वक्त का करे तो क्या करे। अकेला बहुत कंटाल जाता। साथ कोई दोस्त भी तो नहीं था, ना कोई खेलने के लिए, ना कोई बोलने के लिए। तो ऐसे ही बैठे बैठे वह बहुत ऊब जाता था। उस अकेलेपन में कभी वह पत्थर यहां वहां फेंकता, कभी आजू बाजू में उगा हुआ घास उखाड़ लेता। ऐसे ही उदासी में उसे पूरा वक्त बिताना पड़ता था। एक दिन उसे एक शैतानी शरारत सूझी, और जैसे ही सूझी वो वैसे ही उस पत्थर पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाना शुरू कर दिया। अरे संजू, अरे किशन, अरे गोपाल, अरे राजा, सब लोग जल्दी आओ, आओ जल्दी, भेड़िया आया है, जल्दी आओ, आओ भेड़िया आया है। जैसे ही गांव वालों ने बैजू की आवाज सुनी, सब लोग चरगाह की तरफ दौड़कर आने लगे। उन्हें लगा अगर देरी हुई तो वो भेड़िया बैजू की सारी भेड़े खा जाएगा।
सब लोग दौड़ते हाफते बैजू के पास आ गए। गांव वाले बैजू को आकर बोले, दिखाओ दिखाओ हमें कहाँ है भेड़िया, जल्दी दिखाओ, हम सब मिलकर उस भेड़ियों को मार गिराएंगे या फिर उसे दूर तक खदेड़ देंगे, बोलो। बैजू जोर से हंसने लगा। अरे अरे यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। उस पर गांव वाले बोले, तो फिर हमें इतने जोर जोर से चिल्लाकर बुलाया क्यों? हम सब अपने अपने काम छोड़कर तुम्हारी सहायता करने यहाँ पहुँच गए हैं। उस पर बैजू बोला, अरे अरे मैं अकेला यहाँ पर उब गया था तो मुझे थोड़ी शरारत करने का मन हो गया। भेड़िया भेड़िया तो कुछ नहीं है यहाँ पर। सारे गांव वाले बैजू पर गुस्सा हो गए और गांव में वापस चले गए। थोड़ा समय बीत गया और बैजू ने फिर एक बार वही शरारत करनी शुरू कर दी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो गांव वालों भागो, भेड़िया आ गया है, भागो जल्दी भागो, भेड़िया आया है। इस बार बैजू का आवाज उस गांव में रहने वाली महिलाओं ने सुना और उन्हें लगा कि बैजू संकट में जरूर है और उन्होंने सोचा कि हमें उसकी सहायता करने जाना होगा। तो वे अपना अपना काम छोड़कर बैजू की सहायता करने दौड़ती भागती उस चरगाह तक पहुंच गए। उन्होंने पूछा, अरे बैजू कहाँ है भेड़िया, अरे कहाँ है भेड़िया? फिर बैजू उन पर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे मौसी, अरे भेड़िया तो आया ही नहीं है। उस पर वो गुस्सा होकर बोली, अरे बैजू ये कैसी शरारत है। ऐसे कहकर वे महिलाएं वहां से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद सच में एक भेड़िया आ गया और वह एक एक करके सब भेड़ों को मारकर खाने लगा। और जैसे ही बैजू ने भेड़िये को देखा, वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, कोई बचाओ, भेड़िया आया है, भेड़िया आ गया है, जल्दी बचाओ, अरे देखो इसने हमारे भेड़ों पर हमला कर दिया, अरे अरे वो भेड़ों को मार रहा है, भागो भागो कोई तो बचाओ। पर इस बार उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया क्योंकि पिछले दो बार उसने सबको शरारत करके परेशान कर दिया था। पर इस बार तो सच में भेड़िया आकर भेड़ों को खाने लग गया था। फिर बैजू खुद उस पत्थर से उतरा और उसके हाथ में एक जो डंडा था ना, उससे उस भेड़िये को खदेड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मारने के लिए बैजू ने अपना डंडा उठाया, उस भेड़िये ने बैजू पर ही हमला बोल दिया और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बैजू ऐसी ही हालत में रोते चिल्लाते गांव की तरफ भागते आया और गांव वालों को बोला, सच में भेड़िया आया है और वह भेड़ों को मार रहा है। फिर सब गांव वालों ने मिलकर उस भेड़िये को मार दिया और फिर गांव वाले बैजू को बोले, देखा बैजू, तुम्हारी शरारत का नतीजा भेड़ भी मर गए और तुम भी जख्मी हो गए, इसलिए अब ऐसी शरारत कभी नहीं करना और बड़े लोगों का मजाक भी नहीं उड़ाना। तो बच्चों, बैजू को जो सीख मिली तुम भी याद रखोगे ना उसे। आलोचना करने वाला ऊंट। एक जमाने की बात है, एक जंगल था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे और बहुत सारे प्राणी और पक्षी वहां रहा करते थे। सब प्राणी आपस में आनंद से और खुशी से रहते थे, पर उनमें एक ऊंट रहता था जिसे सबकी आलोचना करने की बहुत बुरी आदत थी। उसे हर प्राणी में कुछ ना कुछ कमी दिखती ही थी और उस कमी के कारण वह उस प्राणी की हमेशा आलोचना करता था। उस प्राणी को बुरा भी लगता पर ऊंट को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे कभी एहसास नहीं होता था कि प्राणियों पर उसकी बात का बुरा असर होता है। एक बार वह एक गाय से मिला तो ऊंट ने उस गाय से कहा, अरे ओ मेरी सहेली गाय, तुम कितनी मोटी हो, तुम्हारा पेट कितना बड़ा है, लग रहा है कि जैसे यह तुम्हारा पेट कभी भी जमीन पर गिर सकता है, और तुम्हारा शरीर भी तो देखो,
सब शरीर काले काले भद्दे धागों से भरा है। अरे रे, तुम कितनी खराब दिखती हो। गाय ने ऊंट से कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। उसके बाद वह ऊंट एक भैंस से मिला और उसने भैंस की आलोचना करनी शुरू कर दी। उसने कहा, अरे ओ मेरी सहेली भैंस, तुम कितनी काली कलूटी हो। मुझे तो लगता है कि जब भगवान ने तुम्हें बनाया तब भगवान के मन में बहुत काले विचार आए होंगे और इसीलिए तुम इतनी काली और बदसूरत हो। उनकी बात का भैंस को भी बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ न बोली और दुखी होकर वो वहां से चली गई। उस ऊंट को चलते चलते आगे एक गिलहरी मिली, पर उसमें भी इस ऊंट को खामियां दिख गई। ऊंट ने गिलहरी से कहा, अरे ओ मेरी छोटी नन्ही सहेली, ऐसे लग रहा है कि भगवान ने किसी प्राणी को तोड़ मरोड़ कर तुमको बनाया है और तुम्हारे पीठ पर तो देखो कैसे भद्दे रंग की पट्टियां डाल दी है। तुम्हारे जैसा छोटा और बदसूरत प्राणी मैंने तो कहीं देखा ही नहीं है। गिलहरी ने भी उस ऊंट से कुछ नहीं कहा, वो भी वहां से चली गई। फिर ऊंट को मिला एक बड़ा हाथी। ऊंट ने हाथी से कहा, अरे मेरे हाथी भाई, क्या बदसूरत शरीर बना है तुम्हारा। इतने बड़े कान, इतना बड़ा पेट, इतनी बड़ी नाक, और तुम्हारा नाक वो तो जमीन को छू रहा है। मैंने किसी का भी नाक जमीन को छूते हुए नहीं देखा। तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। हाथी ने भी ऊंट से कुछ नहीं कहा और हाथी भी वहां से चला गया। इस तरह सब प्राणी ऊंट की आलोचना के कारण बहुत दुखी थे, तो उन्होंने साथ मिलकर सोचा कि ऊंट को अब सबक सिखाना चाहिए। तो सब प्राणियों ने ऊंट को एक समारंभ में आमंत्रित किया। तो गिलहरी ने ऊंट से कहा, ऊंट ने उस पर कहा, क्यों नहीं, पार्टी में तो मैं जरूर आऊंगा। तो गाय ने कहा, तुम नदी के किनारे आ जाना। तो ऊंट ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं अवश्य ही आऊंगा। तो ऐसे करके पार्टी के लिए वह नदी के किनारे आने लगा। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा तो सब प्राणी वही थे। ऊंट को हाथी ने कहा, ओ ऊंट भैया, पहले तो अपनी खुद की सूरत खुद नदी में झांक कर देखो कि तुम्हारा खुद का रूप कैसा है। ऊंट को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब प्राणी क्या करना चाहते हैं। तो सच में ऊंट ने नदी में झांक कर देखा तो वहां उसे उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उतने में भैंस बोली, अरे ऊन भैया, तुम खुद ही देखो कि तुम खुद कितने बदसूरत हो। तुम्हारे पाँव कितने टेढ़े मेढ़े हैं। तो गिलहरी बोली, अरे 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 ऊन भैया, तुम्हारे दांत कितने बड़े गंदे और बदबूदार हैं। शी शी शी। गाय ऊन को बोली, तुम्हारी पीठ तो देखो कितनी ऊपर आई है। और फिर हाथी बोला, तुम्हारी गर्दन तो कितनी टेढ़ी मेढ़ी और लंबी है और तुम्हारा मुंह तो हमेशा खुला रहता है और होंठ लटकते रहते हैं, कैसे बदसूरत हो तुम। अब ऊंट को समझ में आ रहा था कि उस पार्टी में उसे क्यों बुलाया गया था और इस बार बुरा मानने की
और दुखी होने की बारी ऊंट की थी। उसे अब समझ आया कि जिस प्राणियों की वह आलोचना करता था उन प्राणियों को कितना बुरा लगता होगा। वह अपने किए पर बहुत पछता रहा था और फिर उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह कभी भी किसी की भी आलोचना नहीं करेगा। इसके बाद पांचों प्राणी बहुत खुशी से और दोस्ती से उस जंगल में रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरे के खामियों के कारण किसी की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां तो होती ही है। बच्चों, अब हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है जादुई मटका। एक जमाने की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर रोज उसके खेत पर जाकर खेती के काम करता था। एक दिन वर्षा के आगमन के पहले वह बुआई करने के हेतु अपने खेत में गड्ढे खोद रहा था। अचानक उसे जमीन में एक बड़ा सा मटका मिल गया। उसने वह मटका बाहर निकाला और वो सोचने लगा कि भला इस मटके का क्या उपयोग हो सकता है। उस किसान ने वह मटका बाजू में रख दिया और वह फिर अपने रोजमर्रा के खेती के काम करने लगा। दोपहर के भोजन के समय उसने अपनी कुदाल उस मटके में रख दी और वह भोजन करने लगा। जैसे ही उसका भोजन खत्म हुआ तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उस मटके में उसकी एक कुदाल की जगह 100 कुदाल हो गई है। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा, ओ अरे, मैं तो सिर्फ एक ही कुदाल ले आया था, ये एक कुदाल की 100 कुदाल कैसे हो गई? ये कैसी पहेली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने सोचा कि इस घटना का संबंध जरूर इस मटके से है। तो फिर उसने वो सब कुदाल बाहर निकाल कर रख दी और नजदीक का एक कंकर उठाकर उस मटके में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने मटके में झांक कर देखा तो उसे वहां 100 कंकर दिखाई दिए। तभी वह समझ गया कि वह मटका तो जादुई मटका है। वह किसान उस मटके को अपने घर ले आया और उसे बहुत महफूज जगह पर संभाल कर रख दिया। उस दिन से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह उस मटके का इस्तेमाल करने लगा। जब भी उसको कपड़े की जरूरत पड़ती तो वह कपड़े का एक छोटा टुकड़ा उस मटके में रख देता और थोड़ी देर बाद वह मटका उसे बड़ा कपड़ा देता जो उसकी जरूरत पूरी कर देता। जब भी उसे भूख लग जाती तो वह एक फल मटके में रख देता और वह जादुई मटका उसे 100 फल दे देता। इस तरह वह किसान धीरे धीरे धनवान होने लगा। पर वह किसान लालची नहीं था। उसने उस जादुई मटके का प्रयोग अपने लालच के लिए कभी भी नहीं किया। लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस वाले ये देख रहे थे कि वह किसान दिन ब दिन और धनवान होता जा रहा है। उन पड़ोसियों ने इस दौलत का राज जानने की ठान ली। एक दिन वे पड़ोसी किसान के घर के बाहर खिड़की के पास चुपके से खड़े हो गए और उस किसान के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि किसान ने एक छोटा चम्मच भर दूध उस जादुई मटके के अंदर डाल दिया और थोड़ी देर बाद उस मटके से उसने पूरा लीटर भर दूध बाहर निकाल लिया।
हाँ, अब समझ आया। पड़ोसियों ने सोचा, अब समझ आया कि ये किसान धनवान कैसे बन रहा है, ये तो इस जादुई मटके की कमाल है। उसके बाद उस ईर्ष्यालु और लालची पड़ोसियों ने उस जादुई मटके को चुराने की योजना बना ली। उसी रात उन्होंने वह जादुई मटका उस किसान के घर से चुराया और वे उसे अपने घर में ले आए। उसमें से एक पड़ोसी उस जादुई मटके का प्रयोग करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, पर उससे पहले उसने मटके के अंदर कुछ वस्तु है या नहीं इस बात की जांच करने हेतु अपना हाथ उस मटके के अंदर डाल दिया। जाहिर है कि मटके के अंदर तो कुछ नहीं था, पर जैसे ही उसने अपना हाथ मटके के बाहर निकाला तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि अब उसका एक हाथ नहीं है, उसके बदले उसे 100 हाथ निकल आए हैं। अब वह पड़ोसी पूरी तरह से डर गया। जैसे ही दूसरे दिन वह अपने घर से बाहर निकला, लोग डर गए। उन्हें लगा कि गांव में कोई राक्षस आ गया है, तो सब गांव वाले उसे पत्थर मारने लगे और उन्होंने उसे गांव से भगा दिया। इस सारी परिस्थिति को देखकर किसान समझ गया कि उसका जादुई मटका उस लालची पड़ोसी ने ही चुराया होगा और उसने उसका हाथ मटके के अंदर डाल दिया होगा। इस तरह से उस किसान को उसका मटका वापस मिल गया और उस लालची पड़ोसी को गांव से हमेशा के लिए जाना पड़ा। कहानी का तात्पर्य है मित्रों कि कभी लालची न बनो। कहानी का नाम है नीला सियार। एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे प्राणी रहा करते थे। उसी जंगल में एक सियार रहता था। वो खाने के तलाश में दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता था। एक दिन वो जंगल के बाहर एक गांव था, वहाँ पर पहुँच गया। उस गांव में उसने कुछ धोबियों को कपड़े धोते हुए देखा। वहाँ पर वो धोबी कपड़ों को रंगा भी रहे थे। खाना खाने का जब समय हुआ, तब सब धोबी खाना खाने के लिए वहाँ से निकल गए। तो वो सियार उस जगह पर यहाँ वहाँ घूमने लगा। उतरे में उसका पांव फिसल गया और वह नीले रंग का पतीला जो वहाँ रखा था उसमें गिर गया। जब उस पतीले से वो सियार बाहर आया, तब वह नीले रंग में पूरा रंगा हुआ था। उतने में उसे प्यास लगी, तो वह पानी पीने के लिए नजदीक वहीं पर एक तालाब था, वहां गया। और जैसे ही वह तालाब का पानी पीने के लिए झुका, तो उसने उसका खुद का प्रतिबिंब पानी में देख लिया। पहले तो एक क्षण के लिए वो डर गया, फिर उसे समझ में आया कि उसने पानी में उसके खुद का ही प्रतिबिंब देखा है, कि जिससे वो डर गया था। वो तो अब पूरी तरह से नीले रंग का प्राणी बन गया था। अचानक उसने एक तरकीब सोची। उसने खुद को स्वर्ग से आया हुआ प्राणी जताने की तरकीब सोच ली, कि जिसके वजह से वो पूरे जंगल पर राज कर सकता था और सब प्राणियों को हुक्म भी दे सकता था। ऐसा सोचकर वो जंगल में वापस चला गया। जैसे ही प्राणियों ने इस नए नीले रंग के प्राणी को देखा, तो सब मन में बहुत डर गए। उन्होंने इस नए प्राणी के बारे में चर्चा शुरू कर दी। हाथी बोला, अरे ये नया प्राणी कौन है? ये तो कोई राक्षसी प्राणी लगता है। उस पर शेर ने कहा, नहीं, वो राक्षसी प्राणी नहीं लगता है। हमें पता नहीं कि वो कहां से आया है। देखते हैं वो क्या करता है। एक गिलहरी यहां वहां घूम रही थी। उसने ये नीले रंग का प्राणी देखा और वो बोलने लगी, अरे अरे ये प्राणी तो नरक से आया ऐसे लगता है। अरे मैं तो भाग रही हूँ, मैं तो भाग रही हूँ। पपरे पपरे।
सभी प्राणी इस तरह से बहुत डरे हुए थे, पर उन्हें जिज्ञासा भी थी कि आखिर ये नीला प्राणी आया कहां से। उन्होंने सोचा क्यों न उसको ही जाके पूछे कि वो कहां से आया है। उतने में ऐसा हुआ कि एक झुंड में रहने वाले सियार एक दूसरे को अपनी आवाज में पुकारने लगे। उन सियारों की पुकार सुनकर ये नीले रंग का सियार भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाया। सियारों के झुंड के पुकार पर प्रतिक्रिया के रूप में उसने भी अपनी तरफ से पुकार लगा दी। उस पुकार की वजह से बाकी सब प्राणियों को अब पता चल गया कि अरे ये तो वही सियार है कि जो उनके साथ रहता था। सब प्राणी उसके पास आ गए और सबको डराने के लिए उसे दोष देने लगे। फिर उस नीले रंग के सियार को अपनी सब कहानी सब प्राणियों को सच सच बतानी पड़ी और उसका छल सबके सामने आ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप दूसरों के साथ छल करोगे तो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ही। बच्चों, अब आप जो कहानी सुनने जा रहे हो उसका शीर्षक है चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। एक था गांव। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत दुबली पतली सी थी। एक बार उसने अपनी बिटिया के पास दूसरे गांव में जाने का मन बना लिया। वह अकेली ही अपने बिटिया के गांव के रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ी। उस रास्ते पर था एक घना जंगल। उस जंगल में उसे मिला एक भालू। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही है? तो वो बूढ़ी औरत बोली, मुझे मत खाइयो, अब मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर यहाँ से लौटूंगी ना, तब तू मुझे खा लेना। भालू मान गया और उसने उस बूढ़ी औरत को अपने रास्ते से जाने दिया। थोड़ा चलते ही उस औरत को मिला एक बाघ। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, कहाँ जा रही है? मैं तो अब तुझे खा जाऊंगा। आओ। तो बूढ़ी औरत बोली, अरे बाघ भैया, मुझे मत खाइयो, मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, एक मास रहूंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, तब तू मुझे खा लेना। बाघ ने सोचा, बाद में खाऊंगा तो बहुत सारा मांस मिलेगा। उसके बाद उस औरत को मिल गया एक सियार। उसने बूढ़ी औरत से कहा, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही है? मैं तो अब तुझे खा जाऊंगा। तो बूढ़ी औरत बोली, अरे सियार भैया, मुझे मत खाइयो, मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, एक मास रहूंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर यहाँ से लौटूंगी ना, तब तू मुझे खा लेना। ये मानकर सियार भी चला गया। फिर वो बूढ़ी औरत पहुंच गई अपने बिटिया के घर। वह बिटिया के साथ एक महीना रही। बिटिया ने उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाया और वह बूढ़ी औरत सच में तंदुरुस्त हो गई। जैसे ही उसका लौटने का वक्त आया तो वह बोली, अरे मेरी बिटिया, मैं अब जंगल से घर लौटूंगी तो मुझे बहुत सारे जानवर मिलेंगे जो मुझे खाना चाहते हैं। तो उस बिटिया ने सोची एक तरकीब। वह एक बड़ा सा कद्दू ले आई। उसने उस कद्दू का पूरा गुर्दा निकाल लिया और उसे सुखा लिया। फिर उसने कहा, अरे माँ, तुम इस कद्दू के अंदर बैठकर धीरे धीरे उस जंगल से चली जाना। अगर किसी ने तुम्हें रोका तो एक मंत्र कहना कि बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। उस बूढ़ी औरत ने एक बार वह मंत्र दोहराया।
बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल रे मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। उसके बाद वह धीरे धीरे अपने गांव के रास्ते पर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में आई तो उसे मिला वही सियार। सियार को लगा ये कद्दू चल कैसे रहा है, कहीं वो ही बुढ़िया तो अंदर नहीं। उसने पूछा, कौन है अंदर, तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र दोहराया, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। और वह कद्दू धीरे धीरे चलने लगा, तो वह सियार चलते कद्दू को देखकर भाग गया। फिर उसे मिला वो ही बाघ। उसने भी सवाल पूछा, कौन है रे अंदर, तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र दोहराया, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। और वह धीरे धीरे वहां से निकल पड़ी। बाघ ने सोचा कि सच में वह चलने वाला कद्दू है, और वो भी अपने रास्ते से चला गया। फिर उसे मिला भालू। उसने भी वही सवाल पूछा, कौन है अंदर, तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र फिर दोहराया, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू तुनुक तुनुक। भालू तो ठहरा भोलू। उसे भी यही लगा कि वो तो चलने वाला कद्दू है, और उसने भी उसे जाने दिया। इस तरह से उस बूढ़ी औरत को जंगल में कुछ भी नहीं हुआ, और वह अपने गांव सलामती से वापस आ गई। सच में उसके बिटिया की तरकीब पूरी तरह से सफल हो गई। तो बच्चों एक बार हम भी मंत्र दोहराएं। चलिए, बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। नाम है टिड्डा और चीटियां। गर्मी के मौसम का एक सुनहरा दिन था। हर कोई उनके काम में व्यस्त था। गर्मी का मौसम था तो सूरज अपने पूरे तेज से चमक रहा था। सब प्राणी और पक्षी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बाकी प्राणी पक्षियों की तरह चींटियों को जहां कहीं पर भी अनाज के दाने मिलते वहां से उठा कर ले आकर घर में उसका वह संग्रह कर रही थी, क्योंकि जाड़े में वह काम नहीं कर पाती थी। वहां पर एक टिड्डा भी था, जिसने देखा कि सब चींटियां अनाज के दाने जुटाने में व्यस्त हैं। वो चींटियों के पास गया और बोला, उस पर चींटियां बोली, हम तो अनाज के दाने जुटा रहे हैं। तो टिड्डे ने कहा, अनाज के दानों का संग्रह कर रहे हो क्यों? आजू बाजू में तो इतने सारे दाने और बाकी खाने की चीजें भी तो हैं, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो चींटियां बोली, अरे हम अभी के लिए नहीं, बल्कि जब ठंड पड़ जाती है ना, तभी उसका इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारी सलाह मानो तो टिड्डे भैया, आप भी अनाज जुटाना शुरू कर दो, क्योंकि ठंड में कुछ नहीं मिलने वाला। टिड्डे ने हंसकर उनसे कहा, अरे चींटी बहना, गर्मी के सुनहरे मौसम में इतना काम नहीं करते, देखो बाहर कितना सुहाना मौसम है, गर्मी में किसी ने भी इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, बस जीवन का आनंद लेना चाहिए। मेरी तरफ देखो, मैं सिर्फ झूम झूम कर नाच रहा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें भी थोड़े मजे लेने चाहिए जिंदगी के? उस पर चींटियां बोली, टिड्डे भैया तुम गलत सोच रहे हो, जब ही अनुकूल समय रहता है तभी बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब ही समय अनुकूल नहीं रहता तभी थोड़ा आराम करोगे तो चल जाता है। उस पर टिड्डे ने कहा, मैं नहीं विश्वास करता तुम्हारी बातों पर, कल के लिए मैं मेरी आज की खुशी गंवाना नहीं चाहता, तुम करो काम, मैं तो चला, बाय बाय। इस तरह उस टिड्डे ने पूरा गर्मी का मौसम
ऐसे ही यहाँ वहाँ नाचकर गवा दिया। थोड़े ही दिनों में गर्मी के दिन चले गए और जाड़े का मौसम आ गया। बहुत बहुत ठंडी हवाएं सब जगह फैलने लगी। सब जगह बहुत ठंड पड़कर बर्फ जमने लगा। हर कोई अपने घोंसले में, गुफा में, घर में बैठकर ठंड का मौसम खत्म होने की राह देखने लगा। अपने घर में चींटियां भी बहुत आराम से थी, क्योंकि गर्मी में उन्होंने अनाज इकट्ठा करके रखा था, इसलिए उन्हें भूखे रहने की कोई भी चिंता नहीं थी। पर टिड्डे के पास अब ना रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए अनाज। बहुत ठंड और भूख से उसकी हालत बिगड़ गई। वह चींटियों के पास आया। वह ठंड से कांप रहा था। उसने चींटियों से पूछा, अरे चींटी बहना, क्या तुम मुझे अनाज के दाने दोगी? मैं ठंड से कांप रहा हूँ और भूख से मरा जा रहा हूँ। कृपा करके मुझे कुछ खाने को दो। उस पर चींटियां बोली, बहुत निराश हो गया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि चींटियों ने जैसे कहा, वैसे गर्मियों में मेहनत करके ठंडी के मौसम के लिए उसे खाना जुटाना चाहिए था। टिड्डा चुपचाप वहां से चला गया और उसने ठान ली कि वो ऐसी गलती वापस कभी नहीं करेगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अनुकूल परिस्थिति में मेहनत करके प्रतिकूल काल और परिस्थिति के लिए संसाधनों का संग्रह करके हमेशा रखना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक है अंडा देने वाली मुर्गी। बहुत दिन पहले की बात है, होशियारपुर एक समृद्ध गांव था। उस होशियारपुर गांव में एक राम सिंह नाम का किसान रहता था। राम सिंह भी बहुत समृद्ध किसान था। उसके पास बहुत सारी गायें, भेड़, बकरियां और मुर्गियां भी थी। राम सिंह गाय का दूध और मुर्गियों के अंडे बेचकर थोड़ी और कमाई कर लेता था। राम सिंह को एक दिन पता चला कि एक मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा दे रही है। ऐसी जादुई मुर्गी पाकर राम सिंह बहुत खुश हुआ। वह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा राम सिंह को देने लगी। राम सिंह एक दिन एक सोने का अंडा लेकर सुनार के पास पहुंच गया और उसने सुनार से कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम यह सोने का अंडा लेकर मुझे उसके बदले पैसे दोगे? सुनार उस सोने के अंडे को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने राम सिंह से पूछा, अरे राम सिंह, ये सोने का अंडा तुम्हें कहां से मिला? पर इस प्रश्न का राम सिंह ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे इस बात को गुप्त रखना था। हर दिन राम सिंह एक सोने का अंडा सुनार के पास ले जाता और उससे उसके पैसे ले आता। इस वजह से राम सिंह जल्द ही बहुत अमीर हो गया। एक दिन सुनार ने उसे कहा, अरे राम सिंह, तुम जहां से भी हर दिन एक सोने का अंडा ले आते हो, वहां से अगर 10 सोने के अंडे एक साथ ला पाओगे तो मैं तुम्हें हर एक अंडे के लिए दुगना पैसा दूंगा। क्या तुम 10 अंडे ला पाओगे?
तब राम सिंह घर लौटा और सोचने लगा, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है। अगर मेरी मुर्गी हर एक दिन सोने का अंडा देती है तो उसका मतलब है कि उसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे जमा होंगे। क्यों न मैं मुर्गी को काट कर सारे अंडे एक साथ ही हासिल कर लूं और सुनार से एक साथ ही सबके दुगने पैसे ले लूं। उसने सोचा, बस मैं कल सुबह ऐसे ही करूंगा। राम सिंह दूसरे दिन जल्दी उठ गया और वह उस मुर्गी के पास चला गया। मुर्गी सुकून से सो रही थी। राम सिंह ने मुर्गी को पकड़ लिया और छुरी लेकर उसे मार दिया। उसने उसका पेट चीर दिया, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मुर्गी के पेट में तो एक भी सोने का अंडा नहीं था। राम सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने खुद को कोसा और सोचा, मैं भी कैसा मूर्ख हूं कि उस सुनार के बातों में आ गया और लोभी हो गया। मैंने न तो सिर्फ मेरी मुर्गी खो दी है, पर अब तो हर दिन मिलने वाला एक सोने का अंडा भी मैंने खो दिया है। कैसा पागलपन कर बैठा मैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के कहने पर या फिर खुद से भी कभी लोभी न बनो, नेकी से कमाओ और संतुष्ट रहो। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक है फुकटम फाकटम। एक गांव था, उसके पास एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तालाब था, बहुत सुनहरा सा जंगल था। वह उसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, उस पर एक गिलहरी की जोड़ी रहती थी। पुरुष गिलहरी का नाम था गुल्लू और मादा गिलहरी का नाम था चिंकी। गुल्लू दिन भर कुछ भी नहीं करता था, बस ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमता रहता और भूख लगने पर खाना खा लेता था। एक दिन गुल्लू ने चिंकी से कहा, अरे चिंकी, देखो देखो, कल मैं तुम्हें बढ़िया सा खाना खिलाऊंगा और वो भी कुछ मेहनत किए बिना। ऐसा कहकर दोनों जंगल में घूमने निकल पड़े। इतने में उन्हें एक तोता मिला। उस तोते को गुल्लू ने कहा, अरे मेरे दोस्त तोता राम, हम तुम्हें कल हमारे घर पर खाने पर बुलाना चाहते हैं, तुम जरूर आना है। तोता राम बोला, तो गुल्लू बोला, ठीक दोपहर 12 बजे पहुंच जाना हमारे घर पर। हाँ, लेकिन बस एक दिक्कत है, बाकी सब तो तैयारी हमने कर ली है, पर हमें कहीं अमरूद ही नहीं मिले। हमें मालूम है कि तुम्हें अमरूद बहुत पसंद है, पर क्या करें, क्या तुम थोड़े अमरूद साथ लाओगे क्या? तोता बोला, क्यों नहीं, मैं अमरूद जरूर लेके आऊंगा। फिर गुल्लू बोला, ठीक है, फिर ये तय हुआ, अमरूद लेके ठीक दोपहर 12 बजे हमारे घर पे आ जाना। फिर गुल्लू ने चिंकी के तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को ताली दी और गुल्लू ने चिंकी से कहा, अमरूद मिल गए, फुकटम फाकटम, अमरूद मिल गए, फुकटम फाकटम। फिर दोनों और थोड़े यहाँ वहाँ घूमने लगे तो उन्होंने देखा एक खरगोश। फिर गुल्लू ने कहा, खरगोश ने कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। फिर गुल्लू ने खरगोश से कहा, अरे बाकी सब तैयारी तो हमने कर ली है, बस थोड़े मूली गाजर और थोड़े मटर नहीं मिल रहे, कल आप नजदीक के खेतों से थोड़े ला सकते हैं क्या? तो खरगोश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर लेके आऊंगा, सब लाऊंगा, सब कुछ एकदम ताजा। तो फिर गुल्लू ने कहा, ठीक है ठीक है। ऐसे कहकर गुल्लू और चिंकी अपने रास्ते से निकल गए। जैसे ही खरगोश चला गया, दोनों ने एक दूसरे को ताली दी
और गुल्लू ने चिंकी से कहा, गाजर तो मिल गए, फुक्तम फक्तम, मूली भी मिल गई, फुक्तम फक्तम, मटर भी मिल गए, फुक्तम फक्तम। गुल्लू और चिंकी फिर आगे निकले और तालाब के किनारे आ गए तो उन्होंने वहाँ पर एक बतख अपनी तरफ आते हुए देखा। जैसे ही बतख नजदीक पहुँचा तो गुल्लू ने कहा, अरे बतख भैया, हमने हमारे बहुत सारे दोस्तों को कल खाने पर आमंत्रित किया है और हम चाहते हैं कि तुम भी उसमें शरीक हो जाओ। ठीक दोपहर के 12 बजे हमारे घर पहुँचना है। बतख बोला, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा खाना खाने। उस पर गुल्लू बोला, वैसे तो सारा इंतजाम हमने कर लिया है, पर कुछ मछलियाँ मिल जाती तो बड़ा मजा आता। क्या तुम तुम्हारे साथ तालाब से थोड़ी मछलियाँ ले आ सकते हो? बतख ने कहा, क्यों नहीं, मैं तालाब के नजदीक ही रहता हूँ, तो मैं कल सबके लिए अच्छी अच्छी ताजी मछलियाँ ले आऊंगा। तो गुल्लू ने कहा, हाँ ठीक है ठीक है, फिर तय हुआ, तुम ताजी मछलियाँ लेकर ठीक दोपहर 12 बजे हमारे घर आ जाना। ऐसा कहकर गुल्लू और चिंकी अपने रास्ते से जैसे निकल गए। जैसे ही बतख चला गया, दोनों ने एक दूसरे को ताली दी और गुल्लू ने चिंकी से कहा, मछलियाँ मिल गई, फुक्तम फक्तम। फिर दोनों और थोड़े यहाँ वहाँ घूमने लगे तो उनको दिख गई एक बकरी। गुल्लू ने कहा, अरे 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 वाह 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 वाह, बकरी बहन, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, हमें आपको हमारे घर खाना खाने का न्योता देना था, कल ठीक दोपहर 12 बजे हमारे घर खाना खाने आ जाना है। तो बकरी ने कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अरे बकरी बहन, बाकी सब तैयारी हमने कर ली है, बस थोड़े केले और थोड़ा दूध का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। तुम थोड़े केले और दूध ला सकती हो क्या? बकरी ने कहा, ठीक है। और बकरी वहाँ से निकल गई। जैसे ही बकरी चली गई, तो गुल्लू ने चिंकी की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को ताली दी और गुल्लू ने चिंकी से कहा, दूध मिल गया, फुक्तम फक्तम। बकरी ज्यादा दूर नहीं गई थी तो उसने गुल्लू की बात चुपके से सुन ली। वह फिर आई और उसने पूछा, और कौन से मित्रों को बुलाया है तुमने? गुल्लू ने कहा, मैंने तुताराम, खरगोश भाई, बतख भैया और तुमको बुलाया है। जरूर आना है जरूर। बकरी ने मन ही मन में कुछ सोचा और तोताराम, खरगोश और बतख सबको इकट्ठा किया। उसने तोताराम को पूछा, क्या तुम्हें गुल्लू ने खाने पर बुलाया है? उस पर तोता बोला, मुझे तो बुलाया है और साथ में अमरूद लाने को भी बुलाया है। खरगोश बोला, मुझे भी गाजर, मूली और मटर लेकर बुलाया है। बतख बोला, और मैं मछलियाँ लाने वाला हूँ। तो बकरी बोली, इसका मतलब है गुल्लू कुछ नहीं करने वाला, हम सबसे कुछ ना कुछ मंगा कर वो फोकट का भोजन करना चाहता है। एक काम करते हैं, कोई कुछ नहीं लाएगा, सिर्फ एक छड़ी लाना, उस गुल्लू को अच्छा सबक सिखाते हैं। दूसरे दिन सब लोग गुल्लू के घर समय पर पहुँच गए। सब अपने साथ छड़ी लेकर आए थे। उनको देखकर गुल्लू पेड़ से नीचे उतरा। जैसे ही वो नीचे आया, सब ने गुल्लू की धुलाई करनी शुरू कर दी। ये सब चिंकी पेड़ पर से देख रही थी। उसने गुल्लू से कहा, अब खाओ सबकी छड़ी, अमरुद ना मिला, फुक्तम फक्तम, गाजर भी ना मिला, फुक्तम फक्तम, मूली ना मिली, फुक्तम फक्तम, मटर भी ना मिले, फुक्तम फक्तम, मछली ना मिली, फुक्तम फक्तम, दूध ना मिला, फुक्तम फक्तम, तो फिर मिला तो क्या मिला? मार खाया, फुक्तम फक्तम, मार खाया, फुक्तम फक्तम, मार खाया, फुक्तम फक्तम। तो बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी किसी को भी फंसा कर कोई भी चीज मुफ्त में छल से हासिल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गुल्लू को जैसी मार मिली वैसे मार भी पड़ सकती है, फुक्तम फाक्तम।